हाँ, तो ये वीडियो मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ पे रुका हुआ था। तो आप देखिएगा कि दरअसल क्या है कि वो ध्यान नहीं रहा, और जब वीडियो बना रहा था तो वही फ़ोन आ गया। फ़ोन आ गया तो बातचीत हो गई, और मुझे इस बारे में कुछ आइडिया था नहीं कि फ़ोन भी इस समय आ सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, इतनी जो मेहनत की थी वो ख़राब थोड़ी करने देंगे कोई। इसलिए आप इसको आगे देखें, मैं बिना कोई औपचारिकता किए हुए इसी चीज़ को आगे शुरू कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ तक हम थे 1/2। देखिए, ये 1/2 बार आ जाएगा, फिर 2x+2/e होगा, ठीक है, माइनस, फिर ये 4 बार आ जाएगा और आएगा 1/x²+2x-4dx। इट इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू, अब देखिएगा ये जो 1/2 है इंटू, इसको हम कह देंगे I1, और -4 इसको कह देंगे I2, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। इट इम्प्लाइज I इज इक्वल टू, वापस लिख देता हूँ, हाफ आई वन -4I2 -4I2। अब देखिए, जो I1 है वो क्या है, I1 था 2x+2 अपॉन x²+2x-4 इसका इंटीग्रल। और आपको पता ही है कि जब कभी किसी भिन्न के अंदर, किसी फ्रैक्शन के अंदर जो डिनोमिनेटर होता है, यानी जो हर होता है, उसका अवकलन अगर अंश हो, यानी उसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट न्यूमरेटर हो, तो हम डिनोमिनेटर का लॉग ले लेते हैं। तो इसका आ जाएगा लॉग ऑफ x²+2x-4 प्लस ये कांस्टेंट लगा देंगे C1। एक्चुअली आप अगर इसका डिफरेंशियल करते हैं तो x² का 2x, 2x का 2, 2x+2 आएगा, जो कि ये है। जब कभी भी हर का डिफरेंशियल करने से अंश आता है, यानी कि डिनोमिनेटर को डिफरेंशियल करने से न्यूमरेटर आता है, तो डिनोमिनेटर का लॉग ले लीजिएगा, ये नियम होता है। एंड I2 क्या था भाई, I2 था आपका, I2 था 1/x²+2x-4 dx, 1/x²+2x-4। इट इम्प्लाइज I2 बराबर, अब इसका तरीका वही जो पहले वाला तरीका, x² गुणांक 1 है ना, ठीक है, ये किसका स्क्वायर हो रहा है, x का, x लिख दिया, प्लस कर दिया, x का गुणा किसे हो रहा है, 2 से, उसका आधा किया 1, इसका स्क्वायर कर दिया। अब आप देखें, ये और ये, इसको आप खोलेंगे a+b² से, तो x²+2x(1), यानी 2x+1 भी आएगा, जो कि यहाँ नहीं है, तो मैंने -1 कर दिया। एक्चुअली 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 मैंने माइनस कर दिया। अब देखो, ये जो है ये इसके बराबर है, आप इसकी तुलना से करोगे बिल्कुल बराबर नहीं, लेकिन -4 लिखना पड़ेगा ना। इट मीन्स I2 बराबर 1/x+1² - के 5 हो जाएंगे, ये 4 और 1 5, और 5 लूँगा √5² dx। अब आप चाहें तो x+1 को t मान सकते हैं, इसका मतलब dx बराबर dt हो जाएगा, इसका मतलब I2 क्या हो जाएगा, 1/t²-√5² और dx dt है। अब हमारे पास में एक फॉर्मूला था 1/x²-a²dx, क्या था ये, 1/2a log x-a/(x + a + c)
ऐसा था ना, ये वाला, ये यहाँ लगा देंगे, इसका वाला आई टू बराबर वन अपॉन, ये एक और फॉर्म ले लेते हैं अपन, टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म ले लेते हैं और ये डी टी कर देते हैं। इट मीन्स आई टू बराबर वन अपॉन टू ए लॉग टी माइनस ए अपॉन टी प्लस ए, प्लस मैं सी टू करूँगा, यहाँ पहले मैंने सी वन कहा था ना, यहाँ पे यहाँ सी टू कर देते हैं। इसका मतलब आई टू बराबर वन अपॉन टू, और एक इसको लिया था हमने रूट पाँच को लॉग, और टी किसको माना था हमने एक्स प्लस वन को, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वन माइनस एक किसको माना था हमने रूट पाँच को, और एक्स प्लस वन प्लस रूट पाँच प्लस सी टू, ये वैल्यू आ गई आपके पास में आई वन और आई टू की। और अब हम इसको रखेंगे यहाँ पे, तो देखिएगा ये जो हमारा था ना इक्वेशन नंबर वन, इसमें हम आई वन आई टू वैल्यू पुट करेंगे। इट मीन्स आई इजिकल टू क्या था भाई, आधा आई वन यानी कि वन बाई टू इंटू आई वन, और आई वन क्या था, आई वन था ये रहा लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर प्लस सी वन, ये आई वन था माइनस फोर आई टू। तो अच्छा एक बात और देखेंगे, हाफ इंटू आई वन, तो हाफ इंटू आई वन, तो ये हाफ जो है ना पूरा गुणा हो रहा है, ये पूरा ब्रैकेट में आएगा, ये ऐसे यू माइनस फोर आई टू, तो माइनस फोर और आई टू जो है वो ये रहा वन अपॉन टू रूट फाइव, वन अपॉन टू रूट फाइव लॉग लॉग एक्स प्लस वन माइनस रूट फाइव, एक्स प्लस वन माइनस रूट फाइव अपॉन एक्स प्लस वन प्लस रूट फाइव, एक्स प्लस वन प्लस रूट फाइव प्लस सी टू, तो प्लस सी टू, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इट इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू, अब देखिएगा ब्रैकेट खोलेंगे, तो हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस फोर यहाँ से आएगा, माइनस मैं वो सी उनको बाद में लूँगा, माइनस फोर इन फोर इंटू वन फोर आएगा अपॉन टू रूट फाइव है, तो ये दो से चार कट के रह जाएगा टू अपॉन रूट फाइव इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन माइनस रूट फाइव अपॉन एक्स प्लस वन प्लस रूट फाइव। अच्छा अब मैं इसको प्लस सी कह दूंगा, वेयर आपने सी किसको कहा है, देखिए यहाँ से वन बाई टू इंटू सी वन आएगा और यहाँ से माइनस फोर इंटू सी टू आएगा, यानी आपने सी किसको कहा है, हाफ सी वन माइनस फोर सी टू, इसको आपने सी कहा है, कांस्टेंट कहा है, ये इसका आंसर आ गया। इसका आंसर ये भी हो सकता है, ज़्यादा ज़्यादा इसमें एक और बात हो सकती है कि जो हाफ को आगे ले जाए ना तो रूट में चला जाएगा, ये भी हो सकता है इसका आंसर के अंदर। आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स माइनस चार माइनस टू बाई रूट फाइव इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस वन माइनस रूट फाइव अपॉन एक्स प्लस वन प्लस रूट फाइव प्लस सी, और ये इसका आंसर आ गया। आप आंसर की लंबाई बना जाएं, मेथड पे जाएं कि आपको करना कैसे है इस ढंग से। मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ, और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सेरा एंड आर एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आर पी व्यास को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।